अच्छी थी सर, अच्छी मूवी है, फिल्म काफ़ी अच्छी है। अभी अभी मैं फिल्म देख के निकला हूँ। मूवी एक घंटे बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील होती है, बट एक घंटे के बाद जो थोड़ा सीरियसनेस आती है ना वो, तो वो थोड़ा अच्छी लगती है। कंटेंट मूवी का बहुत अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है वो है शाहिद कपूर, एज़ यूजुअल वो अपनी हर फिल्म में बेस्ट ही देते हैं, और ये फिल्म में भी बहुत इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार है जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है इस फिल्म में, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मुझे इस लैंग्वेज के बारे में पता भी नहीं था कि उत्तराखंड में ऐसी भी कोई लैंग्वेज होती है। इसके जो डायरेक्टर है नारायण सिंह, ही हैज़ डायरेक्टेड टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो वो भी मूवी थोड़ी सी लंबी थी, ये भी मूवी थोड़ी लंबी थी, दोनों ही सोशल कॉज पर बनी पिक्चर है, बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा था। जो इशू बेस्ड लाइक बाकी मूवीज़ में काफ़ी कुछ खींचते हैं, जो कोर्ट रूम सीन था लास्ट में उसी में एंड में सब पता चलता है कि क्या क्या है, तो उन्होंने शॉर्टकट में भी बताया है, मैं एक्जैक्टली समझा नहीं पाऊँगा लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। श्री नारायण सिंह बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्हें बखूबी पता है कि एक बहुत बड़ा इशू एक छोटे से शहर से किस तरह से फिल्माना चाहिए। इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की भी उन्होंने ही बनाई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया, वहाँ टॉयलेट को लेकर के इनके बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन यहाँ बिजली विभाग को लेकर आंदोलन है, जो कि एक आम इंसान के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हम भी अचानक बिल ज़्यादा आता है तो हम गुस्सा निकालते हैं, लेकिन हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि एक अकेला इंसान क्या करेगा। तो श्री नारायण सिंह जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया, बट इनका जो इन्होंने कंटेंट अच्छा उठाया, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका था, बार बार कॉमेडी लाने का कोशिश कर रहे थे, चलो कॉमेडी अच्छा है, बट वो जब प्रेजेंट कर रहे थे ना वो स्क्रीन पर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। और कोई इंटरवल के बाद जो भी कोर्ट ड्रामा जो दिखाया, भाई यार बहुत, भाई यार बहुत, मेरे को बहुत इंप्रेसमेंट फील हो रहा था, पता नहीं मेरे को क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हाईकोर्ट अब जब दिखा रहे हो इतना बड़ा लेवल का, तो कुछ भी आप कर रहे हो, और स्कोर क्या हुआ, दिनेश कार्तिक ने क्या क्या मैच देख रहे, चलो होता है इतना कॉमेडी होता है, इतना भी नहीं होता होगा, होता होगा मैं बता रहा हूँ कि इतना भी नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा आप कॉमेडी। और जो एंडिंग है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, लेकिन एंडिंग बहुत बेकार। और उन्होंने जो गाना है, इतने अच्छे से गाना है, उनको 30 सेकेंड 40 सेकेंड दिखाया, गाना को और एक्सीड करूँ ना, और पूरे जो इंटरवल तक 1.5 घंटे का जो इंटरवल आया, इसके बीच में लंबा मूवी बहुत ज़्यादा, 3 घंटे अगर मूवी है, 2 घंटे 20 मिनट का मूवी हो सकता है, 40 से 50 सेकंड मूवी एडिट हो सकती है। श्री नारायण जी ने एडिट किया है और खुद ने डायरेक्ट किया, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि, और जो सीरियस सीन चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, बट जब भी कॉमेडी आ रहा था ना वैसा कॉमेडी नहीं, एम्ब्रेसमेंट फील आ रहा था। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत है। टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर, दैट इज श्री नारायण, ही हैज़ डायरेक्टेड टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्शन है वो आपको दिस वन बत्ती गुल मीटर चालू में भी थोड़ा बहुत सेम मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो फ्लेवर हमें दिखाई दे रहा था। तो डायरेक्शन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया, बस एक जो जिस चीज़ में फिल्म थोड़ी सी पीछे रह गई, दैट इज़ लेंदी, फिल्म बहुत लेंदी थी, दैट्स इट, बहुत अच्छी थी फिल्म। शाहिद कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस श्रद्धा कपूर का भी रोल अच्छा है इसमें। एक्टिंग का तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी के ऊपर मूवी टिकी है, स्टोरी बहुत अच्छी है। देखिए शाहिद, श्रद्धा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सोशल इशू बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, साथ ही साथ एक कमर्शियल एंगल भी दिया गया है फिल्म को, तो बैलेंस रखा गया है। शाहिद, श्रद्धा, यामी सबका अभिनय काफ़ी अच्छा है, बट बेस्ट पार्ट शाहिद है, तो उनके लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। शाहिद कपूर के बाद जिसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, दैट इज़ श्रद्धा कपूर, उनका जो एक्सेंट है बोलने का, जो स्टाइल है इस फिल्म में, वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मतलब उनके हर एक डायलॉग्स पे हंसी आनी ही आनी है। बात करें अगर यामी गौतम के कैरेक्टर की, तो उनका काफ़ी शॉर्ट कैरेक्टर है, लास्ट में कोर्ट रूम में ही उनको दिखाया जाता है, लेकिन जितना भी उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी मज़ेदार है। मैं आपको फिल्म का क्लाइमैक्स तो रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हुआ है। फिल्म काफ़ी लेंदी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन जितना भी था फिल्म बहुत अच्छी थी। वहीं अगर मैं आपको गाने की अगर बात करूं, तो फिल्म के गाने जैसे कि हमने पहले सुने थे, दैट इज़ देखते देखते एंड गोल्ड तांबा, ये सारे गाने तो हैं फिल्म में, लेकिन काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का गाना तो होना चाहिए, बट दे हैव शोन ओनली 1 मिनट, सो दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग, एंड बाकी सारी चीज़ें वॉज परफेक्ट। म्यूज़िक थोड़ा एवरेज निकलता है, मतलब एक दो गाने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बट म्यूज़िक को छोड़ दिया जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यू विल गोना एंजॉय दैट मूवी। फिर से तो नहीं, लेकिन इट्स अ गुड मूवी, रेकमेंड तो करूँगा। देखिए ज़रूर देखना चाहता है, बट थोड़ी लंबी है फिल्म, ड्रैग लगती है, बट तब भी अगर आपको शाहिद कपूर के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप इस फिल्म को बार बार देख सकते हैं। मैं ज़रूर, मौका मिले तो फिर से मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, और जिन लोगों ने भी अच्छी फिल्म देखना सोच रखी है और पैसे अच्छी जगह खर्च करना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को आराम से देखें। नहीं, नेवर है, फ्री में नहीं देखूंगा, सही बता रहा हूँ।
फिर से मतलब मैं देख सकती थी बट बिकॉज ऑफ द लेंथी टाइम आई वुड सजेस्ट दैट इट इज़ वन टाइम वॉच बट द कॉज इज़ वेरी गुड दैट इट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म एंड इसी तरह की फिल्म से अगर हम ऐसे ऐसे कॉज सामने आते रहे तो कहीं ना कहीं इन पर एटलीस्ट 10% तो लोग नोटिस करेंगे सो इट वॉज ग्रेट सर 3 out of 5 थ्री एंड हाफ तक थ्री एंड हाफ आउट ऑफ 5 कितने स्टार आई विल गो विद 3 आउट ऑफ 5 ऐसे तो नहीं 2 स्टार चला डिजर्व करता है मैं 4 स्टार